वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज हमारे पास न्यूज स्टोरीज पर डिस्कशन के लिए हमारे दोनों रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद होंगे और सज्जाद काजमी होंगे, दोनों को वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो आतिफ। सबसे पहले तो आप ही की खबर है कि ख्वाजा सराव के बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने के हवाले से कोई इकदाम किया जा रहा है, इस हवाले से डिटेल दे। जी, ये जो एक्ट है 2013 का तरमीम की गई कानून में, उसके बाद जो है ख्वाजा साराओं को जो बाकायदा तौर पर हकूक मिलना शुरू हो गए। पहले जो उनको शनाख्ती कार्ड बनाने का जो हक मिला, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये अहकाम नादरा को जारी किए गए कि फौरी तौर पर जो है ख्वाजा साराओं के शनाख्ती कार्ड बनाए जाए। तो अब पंजाब में जो है महकमा स्कूल एजुकेशन ने इस हवाले से इकदाम किए हैं और तमाम जो स्कूलों हैं उनको पाबंद किया है कि फौरी तौर पर जो ख्वाजा सरा बच्चे उनके पास आते हैं तो उनको एडमिशन दिया जाए। ना सिर्फ एडमिशन दिया जाए, उनके रिकॉर्ड भी जो है अलग से मेंटेन किया जाए। तो ये एक ऐसा इकदाम है। तो दूसरी तरफ अभी हायर एजुकेशन की तरफ इस तरफ से कोई अहकाम नहीं है, इसका महकमा स्कूल एजुकेशन ने ही कहा है। और जो हमारी बात हुई स्कूलों के सरबराहान से, तो उन्होंने ये कहा कि पहले भी होता था, बच्चे इस तरह के आते थे तो उनको एडमिशन देते थे, लेकिन इस तरह के उनका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन किया जाए ऐसा पहले कभी नहीं होता था। तो ये अब जैसे ही महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से अहकाम आए हैं तो उनको ये अब हक मिला है। और दूसरी तरफ ये भी बात अहम है कि जो बच्चे जो महकमा स्कूल एजुकेशन ने कहा है कि 100% इनरोलमेंट करनी है, तो अगर ये बच्चे उन स्कूलों में शामिल नहीं होते तो फिर वो 100% इनरोलमेंट का टारगेट पूरा नहीं हो सकता। और यही पहली दफ़ा कहा गया है कि हमने पहले देखा कि जो मरासला जारी होते थे वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के हवाले से होता था, इसमें जो कहा गया है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों को पाबंद किया गया है कि वो ख्वाजा सरा बच्चों को जो है इंटरटेन करे और एडमिशन दे। ठीक हो गया दोनों स्कूल में से साहब, हम इकदाम तो करते हैं लेकिन बड़ी देर कर देते हैं। जी, ये खुशाइन बात भी है और हैरान कुन भी है कि क्या हमारे जो आइन मुल्क का बना है और जो हमारे सूबों के एक्ट बनाए गए हैं, जो अदारों के एक्ट बनाए गए हैं, उसके अंदर इनको पहले तरजीह क्यों नहीं दी गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले, जैसे आतिफ ने बताया कि पहले भी ये लोग दाखिल होते थे, लेकिन मैं इतना हमारा तजर्बा है कि हमने कभी बचपन के अंदर स्कूल के अंदर कभी ये नहीं सुना कि ये बच्चा ख्वाजा सरा। मैं समझता हूँ कि हमारी जो मेडिकल हिस्ट्री है और जो परखने की सेंस है वालदैन की, वो भी बहुत कम है। और देखा जाए तो वालदैन को भी शायद बचपन में पता नहीं चलता कि उनका बच्चा किस तरफ जा रहा है। हमने जब भी ख्वाजा सरा को देखा है, जवान देखा है, एक नौ उम्र देखा है, और उसको जब वो खुद शो हुआ है, खुद उसने उसको अपनाया है और बताया है लोगों को, तो फिर हमें ये पता चला है कि ये बंदा ख्वाजा सरा है। स्कूल के अंदर हमने कभी अभी तक बचपन के अंदर नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि अगर आप फॉर्म बनाएं उसका डाटा रखें, लेकिन अगर आपने इसको शो किया तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, नॉर्मल स्कूल के अंदर नहीं पढ़ सकेगा। अगर आप उसके फॉर्म के अंदर कर देंगे और बच्चों को भी बताएंगे और ये ख्वाजा सरा है, ये है वो, मैं नहीं समझता कि वो बच्चा इस तरह पढ़ सके। इसके लिए हमें कुछ खसूसी इकदाम करने चाहिए। जैसे हमने भी जो बड़ी एज के ख्वाजा सराओं की बात करे थे कि पूरा इंस्टीट्यूट भी देखा है जो खुला है लाहौर के अंदर ही, जहाँ पर सारे ख्वाजा सरा जा भी रहे हैं और जो भी इनकी ट्रेनिंग हो रही। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई अलग से स्कूल या सिस्टम होना चाहिए? अलग से भी होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम अखलाकियात में आगे चले जाते हैं, एथिक्स में, तो अलहदा से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी तरबियत के अंदर हम अपने बच्चों को, मैंने देखा है कि हमारे वालदैन जो है वो अपने बच्चों को खुद ये चीजें सिखाते हैं, तंज करना, बात करना, इवन हम खुद करते हैं फील्ड के अंदर। बिल्कुल, यही बात जो है ना, जो हमारे मेरी बात हुई जो मुख्तलिफ स्कूलों के सरबराहान से, तो उन्होंने यही बताया कि अब इनके लिए मुश्किल होगा। पहले तो वो अपनी शनाख्त को छुपा के क्लासरूम में बैठे रहते थे तो अब आम बच्चों में घुल मिल जाते थे, लेकिन अब अगर उनको इस तरह से अगर आइडेंटिफाई कर दिया गया कि ये बच्चे इस तरह हैं, तो फिर जैसे बच्चे तंज करते हैं, जैसे बड़े जो है ख्वाजा सराओं को तंज करते हैं, उनको हूटिंग करते हैं उनको, तो ये एक अभी पहले स्टेप में ये तालीम देने की जरूरत है कि जो तीसरी जिंस है, तीसरी जिंस छुपाना भी चाह रहे हैं तो उनकी आइडेंटिटी को छुपाया जाए, इतना ज्यादा एक्सपोज ना किया जाए। तीसरी जिंस के जो लोग हैं उनको किस तरह से जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो भी उसी तरह मुआशरे का हिस्सा है और उसी तरह के शहरी हैं, उनको भी तमाम हकूक मिलने चाहिए। तो ये स्कूल लेवल से ही शुरू होती है बात, जहाँ पर दुनियावी तालीम के साथ जो है करेक्टर भी बिल्ड किया जाता है, तो साथ को इसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी अब आती है कि वो बच्चों को इस हवाले से आगाह करें कि ये भी आप ही की तरह के लोग हैं, इनको भी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है और ये भी उस तरह के हकूक रखते जैसे आप जितने हकूक रखते। तो
लेकिन ये तो आतिफ देखा जाए तो अभी हम एजुकेशन सिस्टम में देखें, अगर बराबरी की बुनियाद पर सबको एजुकेशन देनी है तो हमें इनको इंडक्ट तो करना होगा, लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी हमें थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही बात कि हमें एथिकली ग्रूम करने में अभी बहुत टाइम दरकार है। स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। अभी तो महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो वो कानून में तरमीम हुई, आइन में तरमीम हुई, उसके बाद जो है ये अहकाम तो जारी कर दिए, लेकिन अब इसके अफेक्ट्स क्या आएंगे ये अभी तक नहीं सोचा गया। जो मुरासला जारी हुआ है उसमें भी सिर्फ यही कह दिया गया कि आप एडमिशन दें, इनको दूसरे बच्चों की तरह ट्रीट करें, इनके बस कॉलम एक अलग से बने जिसमें एडमिशन के वक्त जो है अंदराज इनके हवाले से हो कि ये तीसरी जिन से ताल्लुक रखते हैं। एथिक्स ऐसे हों कि ख्वाजा सरा भी हमारे साथ तालीम आ सके। मैं समझता हूँ ये हमने बहुत बड़ी बात की। सबसे पहले तो हमें जो वालदैन हैं, एथिक्स तो वो है कि बच्चा माशरे के अंदर जाए और उसको तंग ना किया जाए, उसको तंज ना किया जाए, उसे शो ना किया जाए कि वो ख्वाजा सरा है। दूसरे एथिक्स क्या, मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कि वालदैन भी ख्वाजा सरा बच्चे को, अपने बच्चे को पसंद नहीं करते। हाँ, आपने बोल फिल्म की मिसाल देखी होगी, बिल्कुल, जो बोल फिल्म बनाई गई थी उसमें एक मजहबी आदमी है जो कि किस तरह तंग आके अपने बच्चे को कत्ल कर देता है। आप देखिए किसने स्टेप गुजरते हैं, उसकी क्या नफ्सियात थी, क्या और उसने एट द एंड अपना बच्चा ही मार दिया। तो मैं नहीं समझता कि ये वालदैन भी स्कूल में जाके, ये एक और बहुत बड़ी बात होगी कि वालदैन स्कूल में जाके बताएंगे टीचर को कि ये ठीक हो गया। अच्छा आतिफ आपकी तरफ दोबारा आएंगे, हम जिस तरह से सजाद का आदमी साहब भी कह रहे हैं कि हमें आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। हमने जिस तरह आईडी कार्ड का मामला देखा उनका, और उसके बाद फिर हमने देखा कि अब उनको उनकी आइडेंटिटी मिलना शुरू हो गई है, तो क्या ये जो स्टेप्स है ये इनको हम इस तरफ जा रहे हैं कि इनको भी हम माशरे का उसी तरह से फर्द कंसिडर करें? मेरा ख्याल है जा तो उसी तरफ रहे, जैसे उनको पहले आईडी कार्ड बनाने का हक मिला है कि आईडी कार्ड उनका बनाया जाए, तो अब स्कूलों में जो है इस तरह से अगर एडमिशन मिलेंगे तो अब ये उसी तरफ जा रहे हैं कि वो भी माशरे का जो एक आम आदमी की तरह उनको हकूक मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं तो उनके जो लूप होल्स भी सामने आते हैं, तो वो उनको काउंटर आस्ता आस्ता वक्त के साथ किया जा सकता है। अब जैसे वो एक पहला जो स्कूल बनाया गया है लाहौर में, तो उसमें मैं एक पैकेज बनाने जब गया था तो वहाँ पर मौजूद जो ख्वाजा सरा थे वो इसी चीज़ से घबरा रहे थे, और जो स्कूल चला रहे थे उनका भी कहना था कि जब यहाँ पर आम लोग आते हैं ये जो इनको देखते हैं तो फिर ये घबराते हैं, फिर ये भागते हैं। जैसे हम कैमरा लेके गए तो वो कैमरा शायद कहते हैं कैमरा ना आने, क्योंकि हम अगर टीवी पर आते हैं तो हमारी आइडेंटिटी सामने आती है तो वो उससे भागते हैं। और जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम्स है मेरे ख्याल से वो भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो घर वाले उनको पसंद नहीं करते, हो सकता है वो कहीं नॉर्मल ऑफिसेज में जॉब भी कोई करना चाहता हो और करता भी। आप ये भी देखें कि ये एनजीओ के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी अगर आपने स्कूल के अंदर डाटा रखना है। ये जो एनजीओ अभी तक देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि हर हजार में से एक या दो लोग ऐसे होंगे जो कि ख्वाजा सरा की लिस्ट में आते हैं। तो ये जो एनजीओ ख्वाजा सरा पे काम करती हैं ये तो स्कूलों में भगदड़ मचा देंगी, ये स्कूलों में कैमरे भी लेके जाएंगी, उनकी जाके फोटोज भी लेंगी। जब एक 35 या 40 क्लास के बच्चे के अंदर एक बच्चे को खड़ा करके उसकी फ़ोटो ली जाएगी, उसको लैदा करके ले जाया जाएगा, उसे सवाल किए जाएंगे, तो क्या तासर उसमें पैदा होगा? मैं नहीं समझता कि ख्वाजा सरा बच्चा भी जो है वो स्कूल में अगले दिन आएगा। इस पे हमें सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ मुरासला करना बहुत आसान है, उसके SOPs रूल्स ऑफ बिजनेस सारा कुछ बनाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि पहले पहल तो यही हमें करना चाहिए, जिस तरह आपने बताया कि एक स्कूल है अलहदा से उसको तरजीह देनी चाहिए, और जब ये हम एज ए मुनहसल कौम एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें तो फिर हमें उन्हें जनरल स्कूलों के अंदर दाखिल करवाना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जनाब आज का मैसेज यही था और ये खबर भी यही है कि हम बच्चों को स्कूल में एजुकेशन तो दे रहे हैं लेकिन उसके साथ एथिकली हम सबको खुद भी ग्रूम होने की ज़रूरत है, और हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल आना चाहिए इनको लेकर, क्योंकि ये भी वही सोसाइटी में रहते हैं जिसमें हम रहते हैं, जिससे हम में कोई फ्लॉ है खुदा ना खास्ता तो बहुत सारे फ्लॉज उनमें भी हो सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल हैं, हम उस चीज़ पे उनका भी कंट्रोल नहीं है, लिहाजा उनको भी कंसिडर किया जाए सोसाइटी का एक फर्द। और जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम में आइडेंटिटी उनको मिली, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर होंगी, तभी हमारा माशरा जो एक तरक्की और एक लाइन के ऊपर चलेगा। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, इंटरटेनमेंट की दुनिया से भी खबरें शामिल करेंगे और भी बातें करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।